हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस नॉलेज टेक। दोस्तों, यदि आप जीके पढ़ना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे पूछेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और साथ में उनके जवाब भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आएगी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। इसका सही जवाब है मुंबई, और इसका सही जवाब दिया है किसी ने नहीं। आज का पहला सवाल है, दुनिया का सबसे पुराना झंडा किस देश का है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो आपका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। इसका सही जवाब है डेनमार्क का सबसे पुराना झंडा है। अगला सवाल है, क्या आप जानते हैं किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। यदि किसी भी सवाल का जवाब आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका सही जवाब है आइसलैंड देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस देश में सबसे ज़्यादा मस्जिद हैं। इसका सही जवाब है भारत देश में सबसे ज़्यादा मस्जिद हैं। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका सही जवाब है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी। अगला सवाल है, सिख धर्म का जन्म भारत में कहाँ पर हुआ था। इसका सही जवाब है अमृतसर में। अगला सवाल है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी गोमती, सी गंगा, डी चंबल। फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। जो भी इस सवाल का जवाब बताएगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। अगला सवाल है, किस देश में महिला सबसे ज्यादा लुंगी पहनती है। इसका सही जवाब है म्यांमार देश में महिला सबसे ज़्यादा लुंगी पहनती हैं। इस वीडियो का लास्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंटीना को हिंदी में क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है आकाशी तार।